अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लर्न प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। टुडे स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 7। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था कि इमेज व्यू टैग क्या होते हैं और हम इमेज व्यू टैग को क्यों यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बटन क्या होते हैं और बटन के कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि बटन क्या होते हैं और बटन को हम क्यों यूज करते हैं। बटन हमारे पास एक ऐसा विजेट है जो हम किसी भी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवाने के लिए यूज करते हैं। लाइक अगर आप कोई ऐप बना रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं डेटा के ऊपर, तो उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए आप जिस विजेट का इस्तेमाल करेंगे उसको हम बोलते हैं बटन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आप दो नंबर्स को ऐड करवाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐड करवाने के लिए आप एक बटन यूज करेंगे और बटन के बिहाइंड आप क्या करेंगे, कोई फंक्शनैलिटी, कोई ऑपरेशन, कोई डाटा, कोई आप अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लर्न प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। टुडे स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 7। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था कि इमेज व्यू क्या होता है और हम इमेज व्यू को क्यों यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बटन क्या होता है और बटन की कितनी टाइप्स हैं। बटन हमारे पास एक ऐसा विजेट है जो किसी भी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवाने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई ऐप बनाई है या कोई आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अपने डेटा के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए आप बटन को यूज करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है, अगर आप दो नंबर्स को ऐड करवाना चाह रहे हैं तो आप एक बटन इस्तेमाल करेंगे, ऐड का बटन। वो ऐड बटन क्या करेगा, इन दोनों नंबर्स को ऐड करवा के आपके जो रिजल्ट होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा। क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो ऐड का बटन है वो ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है हमारे दो नंबर्स पे, मीन्स हमारे डेटा के। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बटन के वो दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है इमेज बटन, सिंपल बटन, और एक हमारे पास है इमेज बटन। सिंपल बटन क्या होता है, इसमें हमारे पास टेक्स्ट लिखा होता है बटन के ऊपर। लाइक जैसे कि आपने स्टूडेंट्स देखे होंगे, कुछ बटन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है। जैसे कि अगर आप कोई ऐड करवाना चाह रहे हैं नंबर्स को तो आप ऐड लिखते हैं, या फिर अगर आप सब्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट लिखते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर कोई आपने ऐप बनाई है जिसमें आपने क्लिक मी लिखा है टेक्स्ट बटन के ऊपर, तो वो क्या होगा, आपका सिंपल बटन होगा, एक टेक्स्ट वाला बटन होगा। इसके बरक्स स्टूडेंट्स, जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास है इमेज बटन। इसमें क्या होता है कि हमारे जो बटन हमने बनाया होता है उसमें टेक्स्ट की बजाय हमारे बटन के ऊपर इमेज लगी होती है। लाइक अगर आप ऐड करवा रहे हैं तो बजाय इसके कि आप टेक्स्ट में लिखें ऐड, आप क्या करते हैं बटन के ऊपर ऐड वाला सिंबल, मीन आप प्लस का सिंबल यूज कर लेते हैं, जिससे यूजर को पता चल जाता है कि प्लस के सिंबल से क्लिक करने से ये जो बटन है ये नंबर्स को ऐड कर रहा है। इस तरह स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि बटन हमारे पास किसी भी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवाने के लिए, अपने डेटा के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए हम बटन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, दो बटन के टाइप्स हैं। सिंपल बटन है जिसमें आप टेक्स्ट यूज करते हैं, और इमेज बटन में स्टूडेंट्स आप बटन के ऊपर किसी इमेज का इस्तेमाल करते हैं, किसी इमेज को यूज करते हैं जो कि आइडेंटिफाई करता है कि आपका ये बटन किस पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हैं या किस पर्पज के लिए आपने इस बटन को। स्टूडेंट्स, अब आप आ जाए एंड्रॉइड स्टूडियो में। एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करना है, यहाँ पे आपने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, यहाँ पे आपने एम्प्टी एक्टिविटी को चूज करना है, नेक्स्ट पे जाना है, और यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन का नेम लिखना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं बटन एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, यहाँ पे भी पैकेज को ऐसे ही रहने देना है। अगर आप इसको चेंज करना भी चाहें तो कर सकते हैं, कॉम डॉट आपने ऐसे रहने देना है। नेक्स्ट आपने पैकेज नेम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, सेव लोकेशन से आपने अपनी लोकेशन, जो आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन है, कि आपने ये ऐप या प्रोजेक्ट किस में सेव करना है, आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे जाना है अपनी ड्राइव में, और यहाँ पे जिस फोल्डर में आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप सॉरी सेव करना चाह रहे हैं, वहां पे इसको सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेव करने के बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे लैंग्वेज हमारे पास दो लैंग्वेजेस है, मैं आपको जावा में करवा रही हूँ, इसलिए जावा आप यहाँ पे चूज कर लेनी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, जितना आपका मिनिमम एसटीके होगा, मीन आपने यहाँ पे एपीआई चूज करना है। एपीआई मीन कि आप जितने, ये एपीआई डिफाइन करता है कि आपका ये प्रोजेक्ट या ये ऐप कितनी डिवाइसेस पे रन हो सकती है। आपने वो एपीआई चूज करना है जो कि आपका ज्यादा से ज्यादा ऐप पे सॉरी डिवाइसेस पे रन हो सके आपकी ये ऐप।
तो स्टूडेंट्स APA 22 ये जो है हमारे पास ये 98.4% डिवाइसेस पे रन हो सकती है, जिसलिए हमने एपीआई ये वाला चूज किया है। फिनिश करने स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका क्या होगा, जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स नीचे जो है यहाँ पे ग्रेडल्स बिल्ड होंगे, जब तक ग्रेडल्स बिल्ड होते हैं हम वेट करते हैं। स्टूडेंट्स ग्रेडल बिल्ड हो चुके हैं, अब आपने एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल वाली फाइल में आना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट्स जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हमारे पास कॉन्सेंट्रेट लेआउट बाय डिफॉल्ट यूज होती है, लेकिन आपने यहाँ पे अभी लीनियर लेआउट लगाने, क्योंकि हम लीनियर लेआउट को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लीनियर लेआउट में आपने ओरिएंटेशन को डिफाइन कर देना है कि आपने वर्टिकल रखनी है या हॉरिजॉन्टल। अब इस लेआउट के अंदर स्टूडेंट्स आपने टेक्स्ट को यूज करना है। हम सिंपल टेक्स्ट सॉरी सिंपल बटन बनाने लगे हैं जिसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे बटन के ऊपर, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपने बटन वाला टैग यूज करना है। अब ये हमारे पास बटन, आपने इसकी विड्थ और हाइट मेंशन कर देनी है। विड्थ हम रख रहे हैं मैच और हाइट इसकी रख रहे हैं रैप। रैप का मतलब जितना इसका टेक्स्ट है उतनी इसकी हाइट ये कवर कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज करनी है, एड आप यहाँ पे लिख दें तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे बटन के ऊपर एड लिखा हुआ शो हो रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने टेक्स्ट ऑल कैप्स, ये वाले स्टूडेंट्स आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है। इसका क्या मतलब होगा, अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो कैपिटल लेटर्स में शो होगा, लेकिन अगर आप इसको फॉल्स कर देते हैं तो एड जो है वो आपके पास स्मॉल लेटर्स में शो होगा। मीन आपने जैसे टेक्स्ट यहाँ पे लिखा होगा आपको वैसे एज इट इज शो होगा। अब स्टूडेंट्स आपने मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज करनी है। मार्जिन क्या करता है, एक्सटर्नल स्पेस के लिए आपने मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज करनी है। यहाँ पे आप लिखते हैं 30 dp। अब आपने इंटरनल स्पेस के लिए, मीन आपका ये जो बटन है ये बहुत नैरो है, तंग है, तो आपने इंटरनल स्पेस के लिए पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने इसको अपने अंदाजे से या लुक पे या जो अपेयरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे पैडिंग डिफाइन करनी है कि आप अपनी पैडिंग कितनी देना चाह रहे हैं। 15 dp दे दिए। अब स्टूडेंट्स जो टेक्स्ट है वो बहुत छोटे हैं, उसका साइज आपने इंक्रीज करना है, तो टेक्स्ट साइज की प्रॉपर्टी यूज करनी है। हम 20 sp लिख देते हैं। साइज जब भी आप दें स्टूडेंट्स आपने sp जो है वो यूज करना है, लेकिन अगर आप इमेज वगैरह या आप कुछ भी विड्थ और हाइट मेंशन करें उसके लिए आपने dp यूज करना है। अब यहाँ पे 22 sp लिखा है। अगर आप टेक्स्ट स्टाइल मीन आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाह रहे हैं, इटैलिक रखना चाह रहे हैं या नॉर्मल, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे रखना चाह रही हूँ इसको बोल्ड, इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा मोटा हो गया ऐड। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो इसके लिए आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है बैकग्राउंड टिंट की। अब टिंट क्या करेगा, आपका जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं पर्पल, तो हमारे पास ये जो है बैकग्राउंड वो पर्पल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था जो हमारे पास होता है कलर्स, ये कलर्स की फाइल है, आप इसमें न्यू एक कलर ऐड भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो आपको ये वाले कलर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप खुद से ऐड करना चाहते हैं तो क्या करें, आपने इसको कॉपी कर लेना इस कलर को सिंपल, और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद स्टूडेंट्स हर कलर का जो नेम है वो सेपरेट होना चाहिए, मीन डिफरेंट होना चाहिए। अभी फिलहाल इसको भी नेम मेंशन रहने दे। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपको कलर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपने इस कलर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने नेवी ब्लू यहाँ पे चूज करना है, नेवी ब्लू आपने ये नेवी ब्लू कर लिया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो है कैपेसिटी है, कैपेसिटी के मीन आपके जो कलर है उसकी ब्राइटनेस, क्या आप अपने कलर की ब्राइटनेस कितनी रखना चाह रहे हैं, मीन उसकी कैपेसिटी। अब स्टूडेंट्स जो इसकी कैपेसिटी मैंने फुल इसकी यहाँ पे हाई की हुई है, और ये नेवी ब्लू कलर है ये मैंने चूज कर लिया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने नेम देना है अपने कलर का, यहाँ पे मैं नेम दिया नेवी ब्लू। स्टूडेंट्स अब आपको पता चल गया होगा कि कलर आप कैसे ऐड कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, खुद से आप कलर कैसे ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमें ये कलर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर आप खुद से भी ऐड करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया है। बट याद रखिएगा हर कलर का जो नेम हो वो डिफरेंट होना चाहिए दूसरे कलर के नेम से। अब स्टूडेंट्स हमने नेवी ब्लू जो कलर अभी यूज किया अभी बनाया है, हम यहाँ पे नेवी ब्लू लिख देंगे और ये हमारे पास इस तरह हमें शो होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप डिफरेंट इसके और प्रॉपर्टीज हैं वो भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप बटन की जो विड्थ है वो मैच पेरेंट नहीं रखना चाह रहे तो आप यहाँ पर रैप कंटेंट कर दें। रैप कंटेंट का मतलब ये होगा कि जितना आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है बस उतना ही आपके बटन की विड्थ और हाइट आपको शो हो रही है। अब स्टूडेंट्स आप अपने बटन को जो है वो सेंटर में करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर यूज करनी है लेआउट ग्रेविटी की प्रॉपर्टी।
स्टूडेंट्स, लेआउट ग्रेविटी क्या करता है, डिफाइन कर देते हैं कि आपने ये जो सॉरी बटन यूज किया है इसको आपने कहाँ पे सेट करना है। आप स्टूडेंट सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो आपका बटन सेंटर में आपको शो होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अपने बटन को खुद से भी विड्थ और हाइट जो है वो मेंशन कर सकते हैं लाइक दिस। जैसे यहाँ पे मैंने दिए 100 dpi और यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे 150 कर देते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स रैप जो है इसकी हाइट है वो आप दे दें ऑलमोस्ट 40 dpi। तो स्टूडेंट्स ये आप जो है खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट डबल कोट्स के अंदर लिखना है आपने, मेरा ये जो डबल कोट्स है ये रिमूव हो गया मेरे से, आपने डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे 40 dpi लिख देना है। तो मेरे पास जो इसकी हाइट इतनी कम है कि यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो भी मुझे शो नहीं हो रहा, तो आपने क्या कर देना है, आप इसकी हाइट को इंक्रीज कर देना, 70 कर देंगे तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे टेक्स्ट जो है लिखा हुआ शो होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने इस बटन वाले टैग को ऐसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एक सिंपल बटन आपके पास क्रिएट हो गया है। सिंपल बटन में हमने पढ़ा था कि सिंपल बटन में आपके पास बटन के ऊपर क्या होता है, टेक्स्ट लिखा होता है। अब टेक्स्ट से पता चल रहा है कि आपने बटन के ऊपर क्या करें, जैसे यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो वो एड कर रहे हैं किसी दो नंबर्स को, या किसी जरूरी नहीं वो दो नंबर्स को एड कर रहा है, किसी नंबर्स को एड कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इमेज बटन कैसे काम करते हैं। इमेज बटन में आपने इमेज बटन वाला टैग यूज करना है, इसकी जो आपने विड्थ है वो मैच रखते हैं और इसकी जो हाइट है वो आप रैप रखते हैं। अब आपने स्टूडेंट्स मार्जिन लेना है, मार्जिन आप 30 का ही ले लें, 30 dpi, और पैडिंग आप यहाँ पे दे दें स्टूडेंट्स 15 की आपने पैडिंग दे दी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे करना है आपने सोर्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब जरूरी नहीं है स्टूडेंट जो आप इमेज बटन यूज करने जा रहे हैं उसमें आपने इमेज ही यूज करनी है, आप क्या कर सकते हैं इसमें कोई आइकन भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 6, उसमें मैंने आपको बताया था कि इमेज को कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो में जो है वो हम सेव करवाते हैं। हमने गूगल से एक इमेज ली थी, उसको हमने कॉपी करके यहाँ ड्राइवल के फोल्डर में रखी थी। स्टूडेंट जितने भी आइकन या इमेजेस यूज होंगे वो आपने इस फोल्डर में रखना है। अब इस फोल्डर में हम जो है आइकन्स बाय डिफॉल्ट जो एंड्रॉइड स्टूडियो हमें प्रोवाइड करता है, जिस तरह हमें कलर्स मिलते हैं बाय डिफॉल्ट इसी तरह आइकन्स भी मिलते हैं। आपने ड्राइवल के फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने वेक्टर एसेट्स पे जाना है, और यहाँ पे आपने क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप कोई भी जो है आपके पास जो है सॉरी आइकन आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लाइक अपने जो आपकी रिक्वायरमेंट या जिस तरह की आप ऐप बनाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं आइकन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ये एसएस अलार्म वाला जो है ये हमने आइकन लिया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, आप इसको व्हाइट कर दे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे साइज 24x24 मीन इसकी जो विड्थ और हाइट 24x24 dpi है, अब यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे उसके फिनिश कर देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने आइकन लिया था असेस अलार्म वाला वो हमारे पास ड्राइवर के फोल्डर में आ गए। स्टूडेंट्स जब तक आपने कोई भी आइकन या जो इमेज जो आप अपने प्रोजेक्ट या ऐप में यूज करना चाहते हैं उसको आपने पहले ड्राइवर के फोल्डर में सेव जरूर करवाना है। अब यहाँ पे आ चुका है तो यहाँ से हम असेस कर सकते हैं। आपने इसका पास सेट करना है @ ड्राइवर का फोल्डर है और उसके अंदर आपका फाइल का नेम क्या है असेस अलार्म, आपने ये यूज किया। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे जो आइकन है वो शो हो रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो मैच पेरेंट है हम इसकी रैप कर देते हैं तो क्या होगा, जितना हमारे पास आइकन है उतना ही हमारे पास उसके अंदर इमेज हमें शो हो रही है। अब स्टूडेंट्स हम इसका बैकग्राउंड टिंट अप्लाई करते हैं, मीन अपने बटन का बैकग्राउंड हमने कैसे रखना है वो हम नेवी ब्लू कर देते हैं। और अब क्या होगा, आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास नेवी ब्लू बटन है और इसके अंदर हमने एक जो है आइकन यूज किया है। अब स्टूडेंट्स आप इस बटन की ये जो बटन है वो ज्यादा ही छोटा दिखाई दे रहा है तो आप इस बटन की जो विड्थ और हाइट है वो खुद से भी मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम हाइट दे रहे हैं इसको 70 dpi जैसे कि हमने ऊपर वाले बटन में दी है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपने इस बटन को भी क्या कर देना है सेंटर में लाना चाह रहे हैं, जिसके लिए आपने सेंटर इन सॉरी लेआउट ग्रेविटी की आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है और यहाँ पे आपने लिख देना है सेंटर हॉरिजॉन्टल। और आपने क्या करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे आईडी की प्रॉपर्टी यूज करनी है, आईडी को मैंने कहा था आपने लाजमी देनी है, आप आईडी के थ्रू ही बैकएंड पे इन विजर्ट्स को असेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे दे दें बटन टू
अब इस आपने जो टैग यूज किया इसको बंद कर देना है। स्टूडेंट जो फर्स्ट हमारे पास बटन था आपने उसको भी आईडी लाजमी देनी है। यहाँ पे आप लिखते हैं बटन 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने दो बटन को यूज किया, ऐड वाले को और अलार्म वाले को। अब ये हमारे पास टेक्स्ट वाला बटन है, मीन सिंपल बटन है, और ये हमारे पास इमेज बटन है। अब आपने यहाँ पे इसको रन करना है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। हमारे पास जो ग्रेडल्स है वो बिल्ड होंगे, जब तक तो ग्रेडल बिल्ड नहीं हो जाते हम यहाँ पे वेट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो ग्रेडल है वो बिल्ड हो चुके हैं और ये हमारे पास जो है हमें हमारी जो ऐप है वो रन होके हमें इस तरह का जो है लुक यहाँ पे प्रेजेंट कर रही है। अब ऐड वाले बटन पे जब यूजर क्लिक करेगा तो इसका मतलब ये होगा कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, मीन किसी नंबर्स को ऐड करवाने के लिए हमने ये बटन यूज किया है। अब इस बटन से आपको ये शो हो रहा होगा कि ये अलार्म वगैरह सेट करने के लिए बटन लगाया गया है। किस तरह पता चल रहा है? क्योंकि इसके ऊपर जो इमेज लगाई है वो हमने यहाँ पे इस तरह की इमेज लगाई है जो हमें डिफाइन कर रही है कि ये हमारे पास क्या कर रही है। इस पे अगर क्लिक करता है यूजर तो क्या होगा, हमारे पास अलार्म सेट वगैरह हो जाएगा। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन क्लिक कर दे ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।